नेक्स्ट हम लेंगे इन ट्राइंगल, आफ्टर जो आपको लाइंस लिखनी है वो लिखने के बाद वी विल राइट डाउन इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल सेकेंड वन है आपकी डी ई बी. चलिए फर्स्ट ट्राइंगल में क्या लेके चले हम. ध्रुव मेहता अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी ट्राइंगल ए सी बी में हम क्या क्या लेके चलेंगे. मैम थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. यस मैम देन टेन 60 इक्वल टू ए सी ओवर बी सी. टेन 60 इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी. वेरी गुड मैम. टेन 60 इक्वल टू रूट 3. यस देन मैम ए सी इक्वल टू 87. 87 वेरी गुड. इस 87 BC as it is, क्योंकि BC की value जो है वो मेरे पास नहीं है. अब इनकी positions interchange करके I will get BC as 87 upon root 3 meters. Unit यो मुझे meters में given है, तो I will write it down as 87 upon root 3 meters. Very good. Now Harshita, unmute yourself and tell me what I have to take in the second triangle. Root 3 equals to 87 root 3. Very good. Now, what you are to find in this, you are to find the distance traveled by the balloon during the interval. पहली position जो है balloon की ये है, यहाँ से जो है balloon move करके इस position पे गया. तो it means आपको ये overall minus ये करना है. Overall क्या है BE और उसमें से minus क्या करना है BC. तो यहाँ पे आप लिखेंगे distance traveled by balloon is equal to, this is BE minus BC. BE we are having 87 root 3 and the other one is 87 upon root 3. आप इसको simplify कर लोगे LCM लेके, you can take out 87 as common. So this is root 3 minus 1 by root 3. So this is 87 into LCM लोगे. So root 3 LCM आ जाएगा आपका. So this will be 3 minus 1. So this is 87 into 2 upon root 3. Again, we are to rationalize this. Isko aap rationalize karoge and then you will get your answer. So maine yahi pe isko rationalize bhi kar diya because mujhe root ki terms mein denominator mein answer nahi chhodna hai. So this is equal to 87 into 2 root 3 upon 3. ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दिस इज 29 इंटू 2 रूट 3 दैट इज 58 रूट 3 और यूनिट क्या आएगा यहाँ पे मीटर. सो 58 रूट 3 मीटर. सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल इज 58 रूट 3. सो दिस वाज द क्वेश्चन. इफ एनी डाउट इज देयर इन एनी ऑफ द स्टेप्स यू कैन आस्क. You can raise your hand and ask your doubt if any kind of doubt is there. Otherwise, we will move on to question number 15 now. I hope you would have noted it down. Otherwise, you can take the screenshot also. Now, moving on to question number 15. Ab question 15 thoda sa alag hai, usko dhyan se samajhna. क्वेश्चन नंबर 15 में उसने हमें कहा कि अ पर्सन अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टॉवर. एक टॉवर गिवन है, टॉवर का जो फुट है वहां पे एक स्ट्रेट हाईवे लीड कर रहा है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट जो आपकी गिवन है यहाँ पे टॉवर वो हाईवे के ऊपर है. तो ये हमने टॉवर बना दी, ये हमने हाईवे शो कर दिया. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree.
अब एक पर्सन है जो 30 डिग्री के डिप्रेशन पे एक देखता है कार, तो क्योंकि मैन यहाँ पे खड़ा है टॉप ऑफ द टॉवर पे, तो एंगल जो है आपने यहाँ पे शो कर, सो दिस इज 30 डिग्री एंगल, ये यहाँ 30 डिग्री है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 30 डिग्री बन गया. Which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. अब इसकी जो speed है यहाँ पे car को, car is approaching towards the foot of the tower, यानी कि car इस side पे move कर रही है, this is the foot of the tower. और इसकी speed जो है वो हमें क्या given है, uniform speed हमें given है. It means कि throughout जो है वो speed में कोई change नहीं होगा. फाइंड द टाइम, नहीं इसके बाद कह रहे हैं वो 6 सेकेंड्स लेटर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. 6 सेकेंड्स के अंदर कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दैट वॉज फाउंड टू बी 60 डिग्री. तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन था, तो ये मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन शो कर दिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो ये 30 डिग्री ये 60 डिग्री एंगल्स जो है हम यूज करेंगे. बट क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन था, तो दीज टू एंगल्स यू आर श्योर शॉट टू शो ओवर हियर. तो ये आपने डेफिनेटली यहाँ पे दिखाने हैं, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. अब उसने कहा क्या, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टॉवर फ्रॉम दिस पॉइंट. फ्रॉम दिस पॉइंट मतलब यहाँ पे है कार. दोबारा देखो स्टेटमेंट, हमें गिवन है एक टॉवर, पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टॉवर. From the top of the tower, he observes and observes the car approaching the foot of the tower, and the angle of depression of the car was found to be 30 degree. After 6 seconds, यानी कि ये distance उसने travel किया 6 seconds के अंदर. After 6 seconds, the angle of depression was found to be 60 degree. Now from this point, how much time the car will take to reach the foot of the tower? यानी कि मुझे टाइम टेकन बाय कार निकालना है टू कवर दिस डिस्टेंस. ठीक है, अब मुझे ये वाला डिस्टेंस भी नहीं पता, मुझे ये वाला डिस्टेंस भी नहीं पता, मुझे यहाँ पे पता है तो क्या पता है, हाइट ऑफ टॉवर भी नहीं पता. तो लेट द हाइट ऑफ द टॉवर बी एच, ये डिस्टेंस मैंने मान लिया एक्स, ये डिस्टेंस मैंने मान लिया वाई, तो ये ओवरऑल डिस्टेंस हो जाएगा मेरा एक्स प्लस वाई. एक्स प्लस वाई जो है मुझे यहाँ पे बड़े वाले ट्राइंगल के लिए लेना पड़ेगा. मेरे यहाँ पे जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं वो कौन कौन से बन रहे हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला. तो इन दोनों ट्राइंगल्स को लेके अब हमने चलना है. सो नेमिंग दे देंगे हम इसकी ए बी सी एंड डी. स्टार्टिंग में आप सारा यहाँ पे लिखोगे, लेट हाइट ऑफ द जो टॉवर है दैट इज एच, जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ पोजीशन ऑफ द कार एट फर्स्ट पॉइंट, या आप ऐसे लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस ऑफ द कार इज वाई, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार फ्रॉम द सेकंड पॉइंट टू द फुट ऑफ द टॉवर इज एक्स मीटर. अगर इतना बड़ा नहीं लिखना तो सिंपली लिख लो डी सी इज इक्वल टू वाई मीटर, सी बी इज इक्वल टू एक्स मीटर, हाइट ऑफ टॉवर ए बी इज इक्वल टू एच मीटर. ये सारे हमने मीटर्स में लेने हैं क्योंकि मीटर्स में ही हमें यूनिट्स जो हैं वो गिवन है. अब यहाँ पे जो हमारे ट्राइंगल्स यूज हो रहे हैं दैट आर इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ए बी सी, चलिए जया अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी फर्स्ट ट्राइंगल ए बी डी में मैं क्या क्या लेके चलूंगे. यस मैम, फर्स्ट ट्राइंगल में बच्चे क्या क्या लेके चलना है मुझे ए बी डी में, बड़े वाले ट्राइंगल में. मैम गिवन क्या क्या, ए, हाँ जी, ए सी बाय डी सी, ए सी बाय डी सी, ए सी बाय DC, DC के DB, DB, yes, DB, AB upon DB, AB upon DB, और यहाँ पे क्या आएगा क्योंकि perpendicular upon base है,
तो tan of the angle आ जाएगा, और बड़े वाले triangle में angle कितना हम लेके चल रहे हैं 30 degree, तो this is tan 30 degree. अब AB हमने कितना assume किया है H, और DB this is X plus Y, तो ये X plus Y, तो यहाँ से आपका H आ गया this is 1/√3. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको, यहां से x प्लस वाई आ गया आपका रूट थ्री टाइम्स h, इसको ले लो इक्वेशन नंबर वन. अब सेकंड ट्रायंगल हम लेके चलेंगे ए बी सी. यस निष्ठा, ट्रायंगल ए बी सी में बच्चे क्या लेके चलेंगे? मैम ट्रायंगल ए बी सी में मैम ए बी एज परपेंडिकुलर AB upon BC. BC and this is equal to mam tan 60 degree. Tan 60, very good. Now put the values. Tan 60 is mam 1 minute. Tips pe honi chahiye. This is root 3 equal to AB is H, BC is X. तो यहां से H आ गया मेरे पास root 3 times root 3. X. Now what to do? Ma'am, now we can put value of H, X plus Y. Yes, X plus Y जो है हम यहाँ पे H की value put कर सकते हैं. So we will be having X plus Y upon root 3. या हम एक और काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे h की वैल्यू ये वाली पुट कर देते हैं. तो यूजिंग टू इन वन, x प्लस y एज इट इज आ जाएगा, ये रूट थ्री एज इट इज आ जाएगा. इस वाले h को हम रिप्लेस कर देंगे रूट थ्री एक्स से. सो हियर वी विल बी हैविंग x प्लस y इज इक्वल टू थ्री एक्स, और वी कैन से y इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस एक्स, यानी कि टू एक्स. अब यहां से क्या पता लग रहा है हमें कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज डबल ऑफ दिस डिस्टेंस, वाई जो है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स. अब वाई डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए टाइम मुझे कितना गिवन है, 6 सेकेंड्स. तो यहाँ पे आप यूनिटरी मेथड यूज कर लेंगे इन फॉर कवरिंग y is equal to 2x, time taken is equal to 6 seconds for covering 1 meter, time taken will be 6 upon 2x. मैंने y की जगह क्या ले लिया, 2x. आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, for covering y meter, time taken, ये मुझे क्योंकि गिवन था, इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स. फॉर कवरिंग 2x मीटर, क्योंकि y इक्वल टू 2x है, तो फॉर कवरिंग 2x मीटर टाइम टेकन इज 6 सेकेंड्स. सो फॉर कवरिंग 1 मीटर टाइम टेकन विल बी 6 अपॉन 2x, और हमें टाइम टेकन फॉर कवरिंग x मीटर निकालना है. सो दिस विल बी 6 अपॉन 2x इनटू x, x से x आपका कैंसिल आउट होके your answer will be 3 seconds. Yani ki for covering this distance x meter, time taken by the car was 3 seconds. Kyunki y equal to 2x humne yahan pe show kar diya. To y distance jitne time mein travel ho raha tha, uska half time lagega x cover karne mein, because x is equal to y by 2. To 6 seconds ka humne half kar diya, to that is equal to 3 seconds. तो हमने पहले y और x का रिलेशन निकाल लिया. रिलेशन से हमें पता लगा कि जो y है दैट इज ट्वाइस ऑफ x. अब क्योंकि y जो है वो ट्वाइस ऑफ x है, तो जितना टाइम y को कवर करने में लग रहा था उससे हाफ टाइम लगेगा x मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 15. इफ एनी डाउट इज देयर इन एनी ऑफ द स्टेप्स यू कैन आस्क. अदरवाइज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज वी विल डू. इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कहीं पे कोई स्टेप आपको समझ नहीं आया है, तो यू कैन आस्क, यू कैन रेज योर हैंड.
and I will give you the option to unmute. Okay, fine. Then I am moving on to question number 16. This is an important question, so do this very carefully. क्वेश्चन में हमें कह रहा है वो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम द टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉवर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री आपको पता है कौन से एंगल्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री? यस गुरसिमर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं बच्चे? गुड मॉर्निंग मैम. हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी. यस मैम. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बच्चे कौन से एंगल्स होते हैं? अगर मैं कहती हूँ कि दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री, यस हूज सम जो है वी कैन से इज 90 डिग्री. अब यहाँ पे उसने मुझे कहा कि एक जो है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉवर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री. इट मीन्स अगर मैंने ये टॉवर ड्रॉ की है, ये टॉप ऑफ द टॉवर है, दिस इज फुट ऑफ द टॉवर, तो एक यहाँ पे 4 मीटर के डिस्टेंस पे लेके चलना है हमने और एक 9 मीटर के डिस्टेंस पे लेके चलना है. तो ये मैंने ले लिया 4 मीटर का डिस्टेंस और ये हमने ले लिया 9 मीटर डिस्टेंस. तो ये दोनों एंगल्स उसने कहा दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री. इट मीन्स इन दोनों का जो सम होगा दैट विल बी 90 डिग्री. अगर मैंने ये एंगल लिया थीटा तो फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज एंगल्स हमें कॉम्प्लीमेंट्री गिवन है. फर्स्ट एंगल अगर मैंने थीटा ले लिया तो यहां से यू कैन इजिली सी दैट आपका सेकेंड एंगल क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा. तो ये चीज आप बेशक शो मत करो, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे शो किया है. अगर फर्स्ट एंगल थीटा है क्योंकि सेकेंड उसका कॉम्प्लीमेंट्री गिवन है तो सेकेंड एंगल विल बी 90 माइनस थीटा. अब वो क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टॉवर इज एच मीटर. I have to show the value of h as 6 meter. ये मुझे 4 meter के distance पे given है, ये मुझे 9 meter के distance पे given है और उसने क्या कहा था कि from the base of the tower and in the same straight line with it, from the base of the tower, same straight line पे ये दो points जो हैं, जब हम इनका angle लेते हैं यहाँ top से तो दिस एंगल इज फाउंड टू बी, दिस टू एंगल्स आर फाउंड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री. तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके शो करने की जरूरत नहीं है आपको, हमने एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि नीचे की तरफ एंगल्स दिखाने हैं. अब ट्राइंगल्स को नेम दे दो ए बी सी एंड डी. दो ट्राइंगल्स क्लियर कट यू कैन सी. फर्स्ट वन इज ए बी सी और सेकेंड जो है आपकी दैट इज ए बी डी. ऊपर मेंशन कर देना क्या क्या गिवन है. चलिए शिवांश अनम्यूट योरसेल्फ. बच्चे फर्स्ट ट्राइंगल में बताओ क्या क्या लेके चले. मैम 10 90 माइनस थीटा. 10 90 माइनस थीटा. बच्चे मैं ट्राइंगल एबीसी की बात कर रही हूँ, छोटे वाले ट्राइंगल की. ओके मैम. ओके मैम 10 थीटा आ जाएगा. यस दिस इज 10 थीटा इज इक्वल टू AB by CB. AB by CB or you can say BC. अब इनकी वैल्यूज बताइए. AB is मैम H by 4. H by 4. ये हम ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकेंड ट्राइंगल मुझे बताएंगे. स्मायरा अनम्यूट योरसेल्फ. स्मायरा
बच्चे इफ यू आर नॉट गिविंग मी द रिस्पॉन्स तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मैं आपसे क्वेश्चनिंग कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व यू पीपल एज फॉर योर इंटरनल असेसमेंट. आपको पता है सीबीएसई की तरफ से इस बार ये क्लियर कट आ चुका है कि साइड बाय साइड वी आर टू डू द असेसमेंट ऑल्सो. तो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर असेसमेंट ओनली. इंटरनल असेसमेंट का ही ये एक पार्ट है. इफ यू आर नॉट गिविंग मी द रिस्पॉन्स तो अगर आप अनम्यूट नहीं कर रहे हो मेरे कहने पे तो इट मीन्स यू आर नॉट प्रेजेंट, यू आर नॉट अटेंडिंग द मीटिंग बिकॉज यू आर नॉट गिविंग एनी रिस्पॉन्स टू मी. यस मायरा. यस मैम. ट्राइंगल एबी. यस. एबी ओवर बीडी इज इक्वल टू 1090 माइनस क्यू. एबी अपॉन, दोबारा रिव्यू करो क्या आएगा. एबी अपॉन बीडी. यस. This is equal to 1090 minus Q. 1090 minus theta. Very good. अब मुझे बताओ 10 of 90 minus theta. ये आपने 8th chapter में किया हुआ है. 10 of 90 minus theta is equal to. Complementary angle वाला concept है ये. Tan किस में convert होता है आपका? Anyone else can tell? यस cot में. तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका cot थीटा. ए बी इज एच एंड बी डी इज 9. अब यहाँ पे मेरे पास tan की टर्म्स में है, यहाँ पे मेरे पास cot की टर्म्स में है एंड आई नो दैट tan और cot एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, cot को आई विल राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ tan. So this is my second equation. अब मुझे क्योंकि वैल्यू फाइंड आउट करनी है h की, तो इट मींस मुझे tan theta जो है वो eliminate करना है. दो तरीके हैं उसके, या तो यहाँ से मैं tan theta is equal to 9 by h लिख के यहाँ रिप्लेस कर दूं. अदरवाइज what I can do, I will multiply equation 1 and 2. जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी इक्वेशन 1 एंड 2 को तो tan theta and 1 upon tan theta आपका कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा. सो इन बोथ ऑफ द वेज यू कैन डू, या तो आप यहाँ से tan theta is equal to 9 by h लिख लो और फिर दोनों को इक्वेट कर लो, या दोनों को मल्टीप्लाई कर लो. तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी और राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी. tan theta into 1 by tan theta is 1 is equal to, ये हो गया आपका h square by 36 आपका उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो यू विल बी हैविंग एच स्क्वायर इज इक्वल टू 36. सो जब आप रूट लोगे तो वैसे तो यू आर टू राइट इट एज प्लस माइनस, बट सिंस एच इज रिप्रेजेंटिंग द हाइट ऑफ द टॉवर एंड हाइट कैन नेवर बी नेगेटिव, सो वी हैव टेकन इट एज पॉजिटिव वैल्यू ओनली. तो यहाँ पे हमने आंसर अपना पॉजिटिव वैल्यू लेनी है बिकॉज हाइट कैन नेवर बी नेगेटिव. तो h आ गया हमारे पास 6 meter. लास्ट में आप आंसर लिखेंगे प्रॉपर फॉर्म में, हाइट ऑफ टॉवर इज इक्वल टू 6 meter. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 16. अब एक चीज और आपने ध्यान देनी है, यहाँ पे जैसे मुझे वैल्यूज 4 और 9 गिवन थी, बोर्ड में एक क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ 4 को रिप्लेस किया गया a से, 9 को रिप्लेस किया गया b से, तो यहाँ 36, 4 9 36 की जगह आपका ए बी आ जाएगा और आंसर आपका उस केस में रूट ए बी आएगा. तो दोनों क्वेश्चन सेम है, मेथड बिल्कुल सेम है, 4 और 9 की जगह आपकी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे चेंज हो सकती हैं. तो आपने ये ध्यान रखना है इस चीज का, जो भी वैल्यूज गिवन होंगी दैट वैल्यूज यू आर टू टेक. नाउ योर दिस चैप्टर इज ओवर एंड पीरियड इज ऑल्सो ओवर. इफ एनी डाउट इज देयर in this solution then you can ask, otherwise I'm ending the meeting. I have given you the option to unmute and you can